शालोम दोस्तों, बिब्लिकल फैक्ट हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए एक खास न्यूज लेकर आया हूँ। यानी इसराइल के अंदर एक बात को लेकर शोर मचा हुआ है कि उनका मसीहा, जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहे थे, अब वो आ गया है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितनों ने इस न्यूज को सुना है, लेकिन पिछले कई दिनों से इसराइल के रबियों ने ये बताया था कि सीक्रेट तरीके से उनकी मसीहा के साथ बातचीत हो रही है। फिर इसके बाद हमने देखा मार्च 26 को इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम याकूब लिस्मान है, उन्होंने ये बताया था कि उनका मसीहा फसे के पर्व से पहले आ जाएगा और उन्हें कोविड-19 जैसी महामारी से भी आज़ाद करेगा, उन्हें छुड़ाएगा। लेकिन दोस्तों, अब 27 मार्च को, यानी कि फसे के पर्व के दिन, उन्होंने एक व्यक्ति को मसीहा होने का दावा किया और उस व्यक्ति का नाम है जिजियाहू बेन दाबित। और ये भी कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति दाऊद के गोत्र में से है, यानी कि दाऊद के ट्राइब में से है, और इस व्यक्ति को वो अपना मसीहा मान रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली रूप से इसे व्यक्ति को मसीहा के तौर पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन आगे हो सकता है आगे जाकर इस व्यक्ति को दुनिया के सामने लाकर ये कहा जाए कि ये उनका मसीहा है। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि थर्ड टेंपल बनाने की भी तैयारी की जाए। दोस्तों, हम मसीह लोग इस बात को जानते हैं कि ये व्यक्ति मसीह नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सच्चा मसीहा यीशु मसीह है और वो आ चुका है और फिर से आने वाला है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी ऐसा इंसान जो मसीह होने का दावा करता है, वो असल में मसीह विरोधी है। यीशु मसीह ने अपनी 3.5 साल की सेवा के दौरान एक बात कही थी। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहना, देखो मैंने तुमसे पहले से ये बातें कह दी हैं। मसीहा ने हमें ये पहले से ही बता दिया है कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो खुद को मसीहा होने का दावा करेंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसराइल के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो अपने सच्चे मसीहा को, यीशु को पहचान सके, जिसने आज से 2000 वर्ष पहले अपने लहू को बहाया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।